जम्मू कश्मीर में आज राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ब्रेक है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। फारूक अब्दुल्ला ने राहुल की तुलना शंकराचार्य से की है और फारूक ने कहा कि अभी तक सिर्फ दो लोग कन्याकुमारी से पैदल चलकर कश्मीर पहुंचे थे। सबसे पहले कन्याकुमारी चलकर आए थे शंकराचार्य, उसके बाद राहुल गांधी कश्मीर पहुंचे हैं। तो सुनिए फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी के बारे में क्या कहा है। शंकराचार्य जी आए थे, वो चले थे, जब सड़कें नहीं थी, जंगल थे, वो चले थे कन्याकुमारी से कश्मीर तक। ये दूसरे शख्स हैं जिन्होंने यात्रा की है उसी कन्याकुमारी से और कश्मीर पहुंच रहे हैं। मकसद क्या है? मकसद है हिंदुस्तान को जोड़ना, भारत को जोड़ना। फारूक अब्दुल्ला ने यह बयान लखनपुर में दिया, जहां जम्मू कश्मीर में राहुल की पहले दिन की पदयात्रा के बाद रैली हुई थी। इस रैली में राहुल के साथ फारूक अब्दुल्ला और शिवसेना के नेता संजय राउत भी मौजूद थे। रैली के पहले भी फारूक अब्दुल्ला राहुल की तुलना शंकराचार्य से करने से नहीं चूके। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। ये एक बहुत बड़ा कदम राहुल ने उठाया है, मैं इसको और इसकी बहन को मुबारक करता हूँ। आज तक किसी ने यात्रा नहीं की है, सिर्फ शंकराचार्य जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुँचे। ये दूसरा शख्स है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक आ रहा है मुल्क को जोड़ने के लिए, मुल्क में जो नफ़रतें पैदा हो रही हैं उनको ख़त्म करने के लिए, कि वो नफ़रतें ख़त्म हों और हम लोग एकजुट होकर इस वतन को बना सके। इसलिए हम भी इनके साथ जुड़ रहे हैं इस वतन को एक जोड़ने के लिए। अब राहुल गांधी हर जगह नौकरी को लेकर सरकार को कोस रहे हैं, लेकिन लखनपुर की रैली में फारूक ने कहा कि इस वक्त नौकरी बड़ा मुद्दा नहीं है, बड़ा सवाल यह है कि देश बचेगा या नहीं। यही यात्रा जो है आज भारत को जोड़ने की कोशिश कर रही है। जो इसके दुश्मन है वो भारत के दुश्मन है, वो इंसानियत के दुश्मन है, वो लोगों के दुश्मन है। आज बात नहीं है कि नौकरी मिलेगी या क्या होगा, आज बात है कि भारत बचेगा या नहीं बचेगा। क्या भारत में हम लोग इज्जत से रह सकेंगे या नहीं रह सकेंगे, वो है सवाल। अगर हम लोग इकट्ठे रहे तो हम भारत को मजबूत कर सकते हैं, अगर हम इकट्ठे नहीं रहे और बट गए तो भारत कभी मजबूत नहीं होगा। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि जो इस जवान ने ये अहद किया, मैं पता नहीं, मैं समझता नहीं हूं कहां से उसने इसको ये हिम्मत दी कि ये चला कि भारत को जोड़े, और इंशाल्लाह भारत को जोड़ के ही छोड़ोगे, मुझे पूरा यकीन है। ये भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया गया है। इससे पहले भी कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की थी, जबकि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र समेत पार्टी के कई नेता उन्हें तपस्वी करार दे रहे हैं। सुनिए सलमान खुर्शीद ने राहुल की यात्रा के यूपी पहुंचने से ठीक पहले कैसे राहुल को भगवान राम और खुद को भरत बताया था। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। ऐसा है, आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है, तो भरत उनकी खड़ाव लेकर चलते हैं। तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं, उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। और अपनी पूरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी कई बार विवादों में रहे हैं। पूरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी सिर्फ टी शर्ट और ट्राउजर में दिखे, लेकिन कल पहली बार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी टी शर्ट के साथ रेनकोट पहने भी नजर आए। इस पर भी विवाद हो गया और लोगों ने इसे जैकेट बता दिया। शुक्रवार को जब राहुल की यात्रा जम्मू कश्मीर के कठुआ पहुंची तब वहां जोरदार बारिश हो रही थी, इसलिए राहुल ने टी शर्ट के ऊपर रेनकोट पहन लिया, लेकिन बारिश रुकते ही उसे उतार भी दिया। राहुल का ये लुक सोशल मीडिया पर तब तक वायरल हो गया। लोगों ने कहा कि ठंड और बारिश से बचने के लिए आखिरकार राहुल ने जैकेट पहन ली है, लेकिन जल्द ही कांग्रेस के नेताओं ने पलटवार भी करना शुरू कर दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।